इंडिया में रहने वालों की एवरेज एज है 70 ईयर्स, और ये एवरेज है, कौन कब तक रहेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी इस वीडियो में हम एवरेज लेके चलते हैं 70 ईयर्स। तो इंडिया में एक एवरेज इंसान 70 साल जीता है, वो एक्चुअल में जीता या नहीं जीता वो तो आगे आपको पता चल ही जाएगा। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट शेयर करूँगा, आपके सामने ऐसी बातें शेयर करूँगा जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, और तब आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी कितनी छोटी है। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो आपकी एज कुछ भी हो सकती है, लेकिन फिर भी हम एक एवरेज मान लेते हैं 20 साल। और अब वो टाइम है जब आप अपना करियर स्टार्ट करोगे। कुछ लोग जॉब करेंगे, कुछ लोग बिजनेस करेंगे, कुछ लोग घर बैठे बैठे काम करेंगे, पर मैक्सिमम लोग जॉब करेंगे, इतना तो पक्का है, मानो या ना मानो। जब इंसान खुद का कुछ शुरू करता है और जब उसे सक्सेस नहीं मिलती है तो मजबूरन उसे जॉब करना ही पड़ता है पैसों के लिए, और ज़्यादातर लोग सिक्योर लाइफ चाहते हैं और इसलिए वे जॉब करते हैं। आज तक अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग सर्वे हुए हैं, और वो सर्वे कहते हैं कि 50% लोग अपने जॉब से खुश नहीं हैं, और कई सर्वे ये भी कहते हैं कि 80% लोग अपने जॉब से नाखुश हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि 70 से 80% लोग अपने जॉब से नाखुश हैं, और जॉब करते टाइम लोग वेट करते हैं वीकेंड हॉलीडे का। और आपकी एज 20 साल और रिटायरमेंट की एज होती है 60 साल, यानी कि 40 साल तक आपको काम करना है। तो क्या 40 साल तक आप यही सोचते रहोगे कि 40 साल बाद हमें एंजॉय करना है, या फिर इन 40 साल तक आप सिर्फ वीकेंड एंजॉय करोगे? वीकेंड को भी लोग कहाँ इतना एंजॉय कर पाते हैं। एक इंसान इतनी प्रॉब्लम से घिरा रहता है, एंजॉयमेंट करना तो दूर की बात, बेचारा वो डिप्रेशन से ही बाहर नहीं निकल पाता है, और कब वीकेंड निकल जाता है और कब मंडे आ जाता है पता ही नहीं चलता। और दुनिया के ज़्यादातर लोग हैं वो मंडे के दिन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं। और मान लीजिए आपकी उम्र 60 हुई और 60 के बाद आप रिटायर हो भी गए, तो ये बात याद रखना, 60 के बाद 70% से ज़्यादातर लोग किसी न किसी बीमारी का शिकार हो ही जाते हैं, और उस वक्त कहाँ इतनी एनर्जी होती है कि हम वो करें जो अपनी लाइफ में करना चाहते थे। यानी कि आपकी असली ज़िंदगी आने वाले 40 सालों में ही है, जिसमें आप 13 साल तक तो सोएंगे और 7 से 8 साल तक मोबाइल में बिता दोगे, जिस तरह से आज की डेट में युवा फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद 10 साल तक आपको 9 to 5 जॉब पर रहना होगा, और ये हो चुके हैं टोटल 30 साल, और बचे अब 10 साल। और ऐसी कितनी एक्टिविटीज़ है जिनको हमने काउंट ही नहीं किया, इसमें इंसान का ना जाने कितना टाइम निकल जाता है। खाना पीना, नहाना धोना, मिलना जुलना, टीवी देखना, ना जाने कितनी एक्टिविटीज़ है, और कहाँ है लाइफ को जीने का टाइम। स्कूल टाइम में हम ये सोचते हैं कि स्कूल ख़त्म हो जाएगा तो स्ट्रेस कम होगा, और कॉलेज में आके हम ये सोचते हैं कि एक बार जॉब लग जाए उसके बाद पूरी लाइफ एंजॉय करेंगे, और जब जॉब लगता है तो पता चलता है कि इतनी स्ट्रेस तो कॉलेज लाइफ में भी नहीं थी जितनी यहाँ पर है। फिर हम सोचते हैं चलो ठीक है, ज़िंदगी जैसे गुजरनी थी वैसे गुजर गई, अब रिटायरमेंट के बाद में जो बन पड़ेगा वो करेंगे। आप इमेजिन करो कि आप अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हो, तो उस वक्त आप क्या सोच रहे होंगे? आखिरी वक्त पर इंसान को उन कामों का पछतावा नहीं होता जो उसने किए हैं, बल्कि एक इंसान को पछतावा उन कामों के लिए होता है जो करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया, क्योंकि पूरी ज़िंदगी भर यही सोचते रहे कि ये हो जाएगा तो ये कर लेंगे, वो हो जाएगा तो ये कर लेंगे, सब हो गया और ज़िंदगी भी गुजर गई लेकिन कुछ नहीं कर पाया। मेरे भाई, ज़िंदगी इंजॉय करने के लिए कोई स्पेशल टाइम नहीं आएगा, बल्कि अभी जो टाइम है वो भी गुजर जाएगा। आपका जीवन पल पल करके गुजर रहा है, इसलिए मेरी मानो और हर पल को एंजॉय करो। अगर 40 साल काम पे गुजारने हैं तो ऐसा काम चूज करो कि आप 60 साल भी काम करो तो आपको एंजॉय महसूस हो। लोग क्या सोचेंगे ये भुलाकर हर वो काम करो जो आप करना चाहते थे। जब हंसो तो खुल करके हंसो, जश्न मनाओ तो खुल के जश्न मनाओ, जब कुछ करने का मन करे तो बिना डर उस काम को करो। भूल जाओ कि तुम्हारी उम्र क्या है, क्योंकि कई लोग 20-25 की उम्र में बूढ़े हो जाते हैं, और कई सारे लोग 70 साल की उम्र में भी जोशीले और जवान रहते हैं। अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारो, घूमने जाओ, नेचर का मजा उठाओ। नफरत को तुम ना कहो और पूरी दुनिया से प्यार करो। ना तो पैदा हो ना तुम्हारे हाथ में था और ना ही मरना तुम्हारे हाथ में होगा, लेकिन अभी जो चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में वो सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तो ज़िंदगी के हर दिन को ऐसे जियो कि कभी ना जिया हो। ज़िंदगी को अगर जीना है तो हर पल को जियो, वरना ज़िंदगी तो बहुत छोटी है वेट करने के लिए। ज़िंदगी को अगर जीना है तो हर पल में जियो, ये हो जाएगा तब मैं ये करूँगा और वो कभी नहीं होगा। शेयर करो इस वीडियो को जो अपनी ज़िंदगी से नाराज़ है और अपने जॉब से नाराज़ है, जो सोचते हैं ये कर लूँगा तब मैं वो करूँगा, तो भैया तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और इस वीडियो में इतना ही, और मुझे उम्मीद है आज से आप अपनी ज़िंदगी के हर पल को एंजॉय करोगे। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में नई ऊर्जा और नए जोश के साथ। जय हिंद।